بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to topgrade.pk. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर एनएमडी कैट प्रेप इन लास्ट डेज. आखिरी दिनों में एनएमडी कैट की तैयारी आपने किस तरीके से करनी है, इस हवाले से आज हम बहुत ही ब्रीफ लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे और इसका इंशाल्लाह रिमेनिंग जो डेज हैं उनमें आपको रिमार्केबल बेनिफिट मिलेगा. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मैं ये समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अपने आप से पूछना चाहिए, वो ये है कि व्हाट इज अ सिंगल बेस्ट थिंग यू कैन डू ड्यूरिंग लास्ट डेज सो एज टू रिमार्केबली इम्प्रूव योर एनएमडी कैट स्कोर. अगर मैं कहूँ कि कोई एक चीज है, एक बेहतरीन चीज आपने करनी है, राइट, तो आप क्या करना चाहेंगे जिससे आपका नेशनल एमडी कैट के एग्जाम में जो स्कोर है वो रिमार्केबली इंप्रूव हो जाए, राइट. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन फॉर मी दिस इज वेरी सिंपल बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड द रियल आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट. यू सीन हियर, इस वक्त जो बेहतरीन काम आप लोग कर सकते हैं एनएमडी कैट की प्रेपरेशन के लिए वो ये है कि यू शुड प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल. जिस हद तक हो सके, जितने ज्यादा हो सके, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें. ऑलराइट, तो ये बेस्ट थिंग है टू बी डन दिस डेज. सो यहां पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग देम रॉन्ग. बहुत सारे बच्चे मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ इस डर के साथ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करते या कम प्रैक्टिस करते हैं. वो कहते हैं कि हमने चूंकि अभी तक रिवीजन नहीं की इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जब तक दोबारा पढ़ेंगे नहीं तो हम टेस्ट देंगे तो टेस्ट में गलतियां ज्यादा होंगी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस शेक होगा और उस वजह से हम डिस्टर्ब होंगे मेंटली. तो यू सीन हियर, मैं यहाँ पे जो बात कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग देम रॉन्ग. अगर आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके गलत हो रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. से अगर आपने 100 एमसीक्यूज का टेस्ट आपने दिया है और 100 एमसीक्यूज में से आपके, मैं कहता हूं कि जी 50 एमसीक्यूज आपके रॉन्ग हो गए, इवन अगर आपके 50 एमसीक्यूज भी रॉन्ग हो गए हैं, स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा और यही सजेस्ट करूंगा कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना. देयर इज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. से ये जो एमसीक्यूज आपके गलत हुए हैं, ये इन गलतियों को आप करेक्ट कर लेंगे तो ये एमसीक्यूज बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आपके सही हुए हैं, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज के अंदर हैं, ठीक है. सो ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और बहुत कम बच्चे हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं ट्रूली और अप्लाई कर पाते हैं कि वो मैं यही समझाता हूँ कि आप कह लें कि जो क्वेश्चंस हैं यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग थ्रू द क्वेश्चंस. आपने सवालों के थ्रू सीखने वाली जो हैबिट है वो अपनी बनानी है. ऑलराइट, ओके. उसके बाद फिर अब नेक्स्ट देखें कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आई एम रियल टाइम वरीड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एट ऑल. अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वाकई ये परेशानी की बात है, ठीक है. सो बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम, ठीक है. रियल एग्जाम में मिस्टेक्स अवॉइड करने का जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप उससे पहले पहले मैक्सिमम मिस्टेक्स कर लें. बल्कि बेसिकली टॉप ग्रेड को हमने जो बनाया था इसके अंदर जो क्वेश्चन बैंक हमने बहुत ही एक्सटेंसिव रखा है, मोर एक्सटेंसिव, फार मोर एक्सटेंसिव देन एनी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो कि एनएमडी कैट की प्रिपरेशन ऑफर कर रही है. रीजन उसकी यही थी कि हम ये चाहते थे कि सारे क्वेश्चन पूल में से जब बच्चा गुजरे तो कोई क्वेश्चन उसके लिए रियल एग्जाम में नया क्वेश्चन ना हो, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस वो करके जाए. सो अभी मैं आपको जो स्टूडेंट पैनल का हमारा इंटरफेस है वो दिखा देता हूँ अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डिस्कशन, क्योंकि हमारा अभी तो मेन स्ट्रीम जो डिस्कशन है मैंने आपको एमसीक्यूज के हवाले से गाइड करना है कि किस तरह से वहां से एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है वो आपके स्कोर को रिमार्केबली इंप्रूव करेगी. सो हमने अब ये कह रहे हैं, सादा सी बात ये है कि इस वक्त समहाउ आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है. अब देखें इस स्टेज पे ये जो रिमेनिंग 12 डेज हैं, इन दिनों में इवन अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने 5000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, राइट, और एक ऐसा बच्चा है जिसने 10000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं और एक ऐसा बच्चा है जिसने 15000 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया है,
तो डेफिनेटली जिसने 15,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इन 12 दिनों में कर ली है उसके हायर स्कोर आने के चांसेस मैक्सिमम है, राइट? सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माय डिस्कशन अप टिल नाउ इज मेक मिस्टेक्स बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम सो एज टू अवॉइड मिस्टेक्स इन द एग्जाम. ऑलराइट, अब यहां पे एज अ स्मार्ट स्टूडेंट what questions you should ask from yourself regarding MCQs practice. Chale, aap is baat ke upar convince ho gaye, haan ji, hume in dinon ke andar MCQs practice jo hai, ye hume daba ke karni chahiye. Fine. Ab MCQs practice se related, agar aap truly smart student hain, to aapke mind mein kaun-kaun se questions aane chahiye. Right? To you seen here, isme aapke mind mein kaun-kaun se questions aane chahiye? First question jo ki aapke mind mein aana chahiye, that is, how many MCQs should I practice daily? रोजाना किसी भी गिवन डे पे मैं कितने MCQs की प्रैक्टिस करूं, राइट? सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, राइट, तो क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? लाइक अगर आप मेरे से पूछें कि इस वक्त डेली बेस पे आपको कितने MCQs करने चाहिए इस स्टेज पे, राइट, मेरा आंसर होगा 1500 MCQs पर डे. इस बात का मतलब पता क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आप ऑल टाइम जस्ट बैठे कोई ऐसा तरीकाकार हो कि आप ऑल टाइम बैठे MCQs की प्रैक्टिस करते जाएं और जो जो सवाल आपके गलत होते जाएं उन सवालों के आंसर्स को आप समझ लें, या अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें किसी तरीके से क्विकेस्ट पॉसिबल वे में, या आप जो है ना वो टेक्स्ट बुक से उसको कंसल्ट कर लें, राइट, जो वो क्वेश्चन जो कि गलत हो रहे हैं. तो इसके लिए पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, डेली बेस पे इतने MCQs को अटेम्प्ट करना ये पॉसिबल नहीं था. अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि topgrade.pk के क्वेश्चन बैंक से रोजाना 1500 MCQs अटेम्प्ट करना कितना आसान है और कितना ये प्रैक्टिकली किया जा सकता है, कि आपने किस तरह से टेस्ट क्रिएट करने हैं और उसके बाद जो जो सवाल आपके गलत हो साइड बाई साइड आपने उनकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते चले जाना है, और उसके बाद फिर आपने किस तरीके से जो है वो अपने गलत सवालों को लाजमी लॉक कर लेना कि इनसे लर्निंग मैंने मैक्सिमम ले ली है, किस स्टेज पे और किस तरीके से जाके आपने टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करना है, ये भी मैं भी आज आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह. बहरहाल फिलहाल एक अहम तरीन क्वेश्चन जो था कि इस वक्त कितने MCQs आपको डेली प्रैक्टिस करने चाहिए, मैंने इसका आंसर दे दिया है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं कहूंगा कि डेली बेस पे 1500 MCQs आपको करने चाहिए. आपको लग रहा होगा कि 1500 MCQs करना इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन इंशाल्लाह अभी जब मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से 1500 MCQs होने हैं, आपको ये बड़ा रियलिस्टिक लगेगा. ऑलराइट, अब एक और क्वेश्चन एज अ स्मार्ट स्टूडेंट आपको खुद से पूछना है, और वो क्वेश्चन है कि हाउ शुड आई प्रैक्टिस MCQs फॉर बेस्ट प्रिपरेशन, कि MCQs की जो प्रैक्टिस है मैं किस तरीके से करूं. यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोशिश की मिकदार से ज्यादा कोशिश का तरीका शर्त है, ठीक है? अगर आप 1500 MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन आप सही तरीके से नहीं करते, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट. ये भी हो सकता है कि आप तरीकाकार ही ऐसा अडॉप्ट करें कि उस तरीके के साथ आप 1500 MCQs एक दिन में कर ही नहीं पा रहे. लाइक आप एक तरीकाकार ही ऐसा अडॉप्ट करते हैं जो कि सुपर स्लो मेथड है, उसकी मदद से आप मुश्किल से 200-300 सवाल कर पा रहे हैं. आप कहेंगे कि आप यू वुड से मी कि सर को पता नहीं क्या फील हो रहा है कि हमें कह रहे हैं 1500 MCQs कर लें, ये तो मुमकिन ही नहीं है. एक ह्यूमन बींग जो वो कर ही नहीं सकता 1500 MCQs इन अ डे, राइट? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आपने MCQs को किस तरह से प्रैक्टिस करना है. इस हवाले से मेरा आपसे ये देखिए क्वेश्चन है, right? Here we've got a question. आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच बेटर है इस वक्त, अगर मैं MCQs प्रैक्टिस की बात करूं कौन सी अप्रोच बेटर है? पहली अप्रोच है, अप्रोच नंबर वन है, थॉरली स्टडी टेक्स्ट बुक एंड देन प्रैक्टिस MCQs. एंड अप्रोच नंबर टू है, प्रैक्टिस MCQs एंड देन कंसल्ट टेक्स्ट बुक फॉर रेफरेंस. ये देखें दो डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है? आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर मैकेनिज्म कौन सा है, पहले किताब को पढ़ के रिवाइज करके MCQs को अटेम्प्ट करना, या पहले MCQs को करके इस स्टेज पे फिर बुक को कंसल्ट करना? व्हाट डू यू थिंक? कि जो सेकंड अप्रोच है फॉर श्योर ये बेटर अप्रोच है, फॉर श्योर ये बेटर अप्रोच है कि MCQs के थ्रू जो आप लर्न करेंगे ना, दैट विल बी द एक्टिव लर्निंग. देखें, लर्निंग विदाउट क्वेश्चंस, दिस इज पैसिव लर्निंग. आप जो पढ़ रहे हो आपको अंदाजा नहीं होगा कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे रियल एग्जाम में ये पे बैक भी करेगा कि नहीं करेगा,
राइट। और इसके मुकाबले में जो है अगर हम बात करें उस हवाले से कि अगर आप क्वेश्चंस के साथ लर्निंग कर रहे हैं तो वो एक्टिव लर्निंग होगी। देखिए कि एक्टिवली आपका माइंड जो है वो चीज़ों को क्विकली ग्रैब कर रहा है। तो अभी आप जैसे बुक को पढ़ना शुरू कर दें, आपने पहले इतनी दफ़ा पढ़ी है, शायद आपने 8-10 दफ़ा पढ़ ली होगी बुक FSC में, बार बार आपने जब पहली दफा उस टॉपिक का लेक्चर सुना पड़ा, फिर टेस्ट के लिए, फिर अपने स्टैंड अप के लिए, फिर एनुअल एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कभी एकेडमी में कभी कॉलेज में, तो आपने वही टेक्स्ट बुक पहले भी अगर आपने 8-10 दफा पढ़ ली है, उससे अगर आपका कॉग्निटिव लेवल इंप्रूव नहीं हुआ फिर भी आपके MCQs रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी अप्रोच रॉन्ग है। यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, वेट फॉर अ मोमेंट, राइट। अपने आप से पूछे क्या यार वाकई मैं भी इसी ट्रैप के अंदर हूँ? भाई आप इस ट्रैप के अंदर हो, आई नो दैट यू आर इन दिस ट्रैप, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो MCQs को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या वो इनफ क्वांटिटी के अंदर, इनफ नंबर के अंदर MCQs को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका स्कोर आगे जाके डैमेज हो जाना। आई नो दैट उनका स्कोर डैमेज होगा, राइट। तो अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे है? तो इससे पहले कि मैं इस सिचुएशन से निकलने का तरीका कर आपको बताऊं, मैं यहां पे अपनी बातों को रीइंफोर्स करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के 3 कोट्स लेके आया हूं। 3 कोट्स मैं यहां पे देना चाहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खास तौर पे, लाइक अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन शायद आपको इस वक्त एडवाइस देता तो वो इन कोट्स की कोट्स को आपके सामने वो पेश करता आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से। मेरी नजर में ये आपके साथ बड़े रिलेट कर रहे हैं इस वक्त। इसमें पहले नंबर पर उसने ये कहा है कि डिफरेंस बिटवीन स्टूपिडिटी एंड जीनियस इज दैट genius has its limits. इस वक्त sorry to say it's not a good word to use for the students, लेकिन कुछ students still, मैं ये नहीं कहता कि students stupid हैं, लेकिन उनका ये act stupid है बहुत सारे students का, कि वो अभी भी किताबें पढ़ी जा रहे हैं और notes पढ़ी जा रहे हैं और MCQs की practice उनका focus ही नहीं है, ठीक है। You have to limit yourself to the MCQs practice. You have to limit yourself to the MCQs practice. हाँ, अगर जरूरत पड़े MCQs की प्रैक्टिस के थ्रू आपको फीलिंग आए यार ये चीजें मुझे बुक से देखनी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। उसके बाद फिर एक और चीज, अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक और कोट है, इनसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स। पहले भाई आपने इतनी दफा किताबें पढ़ पढ़ के MCQs के टेस्ट दिए, पहले भी आपकी गलतियां होती रही हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई बहुत ज्यादा रिमार्केबल डिफरेंस अगर क्रिएट नहीं हुआ, इफ यू विल डू द सेम थिंग अगेन सेम थिंग विल हैपन। बहुत सारे रिपीटर से भी मेरी बात हुई है तो वो पिछले साल भी फेल हुए, राइट। इस साल एग्जैक्टली उसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ी जा रहे हैं जैसे लास्ट ईयर पढ़ते थे। उन्होंने देखा नहीं भाई लास्ट ईयर मेरी क्या गलतियां थी, मैं अपनी अप्रोच के अंदर क्या चेंजेस लेके आता या आती कि मेरा स्कोर इंप्रूव होता। दे आर डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड फॉर मी अगेन दिस इज इनसैनिटी। ये इंसेन है, ये वाइज नहीं है, बिल्कुल भी वाइज नहीं है ये, राइट। सो इंसेनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। एक सेम काम आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे रिजल्ट्स जब डिफरेंट मिले, नो इट विल नॉट हैपन, राइट। एक और कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन ही की, 2 थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन स्टूपिडिटी। कहते हैं कि 2 चीजें जो है वो लामहदूद है, एक यूनिवर्स और एक ह्यूमन स्टूपिडिटी। और उसने कहा कि एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, कि मुझे यूनिवर्स के बारे में यकीन नहीं है कि लाइक वो अनलिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन स्टूपिडिटी यस दिस इज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका ये एक्ट स्टूपिड है इस वक्त, स्टूपिड एक्ट है, राइट। मैं इसको जानबूझ कितना ज्यादा रीइंफोर्स कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज का एहसास हो। इस वक्त मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त MCQs की प्रैक्टिस ना करना और सिर्फ किताबों के साथ चिपके रहना ये बिल्कुल भी वाइज नहीं है, राइट। ये वाइज नहीं है, ये स्टूपिड एक्ट है, यू नीड टू चेंज इट, ओके। सो अब इसमें ये मैंने अभी तक जितनी भी डिस्कशन की है उस सारी डिस्कशन का एक ही उसके अंदर मैंने कंक्लूजन निकाला है, वो आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है कि की टू सक्सेस ऑन नेशनल MDCAT एट दिस स्टेज इज टू लर्न थ्रू MCQs। ये वाली की है, लर्न थ्रू MCQs। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लर्न ना करें, ऑफ कोर्स आप लर्न करें, लेकिन MCQs के थ्रू लर्न करें। एक है बुक के थ्रू MCQ, बुक को करके फिर MCQs के करना, एक है कि MCQs को करके फिर उसकी उनकी लाइट में जाके बुक को देखना। दिस इज हाउ यू विल हिट इन द बुल्स आई। एग्जैक्टली आप वो तैयारी कर रहे होगे जो कि एग्जाम के साथ ऐसे मैच है। अगर आप सवालों के बगैर तैयारी कर रहे हो तो वो यू डोंट नो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको एग्जाम में पे बैक करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं उसके साथ आपकी जो प्रेपरेशन है ऐसे हो जाएगी,
right? With the exam, ऐसे compatible हो जाएगी with the real exam, you know. Okay. अब अच्छा दो सवालों की हमने बात कर ली, कितने सवाल डेली करने हैं और किस तरीके से करने हैं. अब थर्ड नंबर पे एक और अहम तरीन क्वेश्चन है, भाई मैं कहाँ से इतने MCQs की प्रैक्टिस करूँ और क्यों उसी रिसोर्स का यूज करूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी कन्वर्सेशन हुई, वो ये भी कहते हैं कि सर मैंने फ्लां एमडी कैट बुक ले ली है, फ्लां अकेडमी के मैंने नोट्स लिए हुए हैं, फ्लां का मैंने पोर्टल लिया हुआ है. तो एक टाइम पे वो चार चार पांच पांच रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो उनकी एफर्ट्स डिफरेंट जगहों के ऊपर स्कैटर्ड है. सिर्फ डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करना, हर यूनिट के लिए सबके टेस्टों को देना, फिर डिफरेंट डिफरेंट के अंदर डिफरेंट वे से उन्होंने लर्निंग करवानी है, किसी ने एक्सप्लेनेशन साथ दी है तो किसी ने नहीं दी, तो हर एक ने अपनी अपनी बायस के साथ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो एक जबरदस्त किस्म का कलेक्टिव पूल यूनिट वाइज नहीं है. बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही स्कैटर किया होगा, ठीक है, कि वो एक ही टाइम ठीक है एमसीक्यूज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस. इस वजह से एक तो वो कम एमसीक्यूज कर पाते हैं, सेकेंडली उनका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, कि वो वर्क गिरदानी में ज्यादा टाइम लगाते हैं और लर्निंग में कम टाइम लगाते हैं. तो इस प्रॉब्लम को बड़ा अच्छा हमने नेल किया और अंडरस्टैंड किया इस प्रॉब्लम को, और इसका एक बड़ा पावरफुल सोल्यूशन जो वो डिजाइन कर दिया. नाउ लेट मी शो यू दैट सोल्यूशन, कि किस तरीके से आप लोग जो है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमाइज कर सकते हो. तो ये हमारा नेशनल एमडी कैट का कोर्स आपके सामने है टॉप ग्रेड का. इसके अंदर आप जाओगे सीधे किसके ऊपर जाओगे, स्ट्रेट अवे आप जाओगे क्वेश्चन बैंक के ऊपर जाओगे, गो टू द क्वेश्चन बैंक. यू नो ये क्वेश्चन बैंक जो है ये आप कह लो कि दिस इज वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन बैंक. आप ये कह सकते हो इस वक्त नेशनल एमडी कैट का पाकिस्तान में इससे बड़ा और इससे ज्यादा बैलेंस्ड और टाइम टेस्टेड क्वेश्चन पूल एग्जिस्ट नहीं करता. ये वन एंड ओनली इन द कंट्री है एट दिस स्टेज, राइट. और इसमें आप देखें क्वेश्चन की तादाद कितनी है, 18,335 इसके अंदर एमसीक्यूज अवेलेबल है. आपने कितने कर लिए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती हैं. फिर किस देखें फिजिक्स के इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 3,500, केमिस्ट्री के 6,000, बायोलॉजी के तकरीबन 5,500 और इंग्लिश के 3,000 एमसीक्यूज हैं. किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा यूनिट और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, इवन वो डिटेल्स भी आपको यहीं से मिल जाती है. जैसे देखें कि फोर्स एंड मोशन में से आपने 50 एमसीक्यूज का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही किया, दो आपने गलत किए, बाकी जो आपने वो अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, से आपने ये वाले अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, लाइक से 47 क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ दिए. तो इसमें देखें कि आपको ओवरऑल पूरे के पूरे आपको अगर आप इसके थ्रू इस क्वेश्चन पूल के थ्रू पहली बात यह है कि आप जब मर्जी जितने मर्जी और जिस मर्जी सिलेबस का टेस्ट दे सकते हो, जब मर्जी जो मर्जी सब्जेक्ट चूज करो, से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश है, इसके अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर से मैं फिजिक्स के अंदर जाता हूँ राइट, तो या चले मैं इसके अंदर जाता हूँ से केमिस्ट्री के अंदर जाता हूँ राइट, से केमिस्ट्री के अंदर चला जाता हूँ, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो है आप जितने मर्जी जिस मर्जी सिलेबस को चूज करो. फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसके अंदर जैसे इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसमें से 576 एमसीक्यूज है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में से जैसे देखो कि 296 एमसीक्यूज है. तो ये एमसीक्यूज की बहुत बड़ी तादाद है केमिस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे अवेलेबल है. अब चाहो तो किसी एक यूनिट को क्लिक करोगे उसके सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इसके एक टॉपिक का है, सारे टॉपिक्स आप टेस्ट दे सकते हो. अगर आप चाहो तो इवन एक से ज्यादा यूनिट्स का और इवन सारे के सारे यूनिट्स का इकट्ठा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो. ये देखो इस तरीके से जैसे मर्जी आप टेस्ट दे सकते हो राइट. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके थ्रू देखो क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा, इस सिस्टम के थ्रू क्वेश्चन का फायदा क्या होगा क्वेश्चंस करने का. लेट मी शो यू हियर कि इसमें एक तो आप अपनी मर्जी का सिलेबस चूज कर लोगे, अपनी मर्जी के सिलेबस में से आप टेस्ट दोगे, सबसे पहला फायदा इसका ये है. सेकंड नंबर पे क्या है कि आप सारे क्वेश्चंस में से टेस्ट दे लो, या जो प्रीवियस टेस्ट आपने दिए हैं से केमिस्ट्री के उनमें से जो आपके गलत हुए हैं सिर्फ उन गलत का टेस्ट दे लो, या जो आपके अनसीन है आप उसका टेस्ट दे लो, या जो अनआंसर्ड है जिनको आपने आंसर नहीं किया आप उनका टेस्ट दे लो राइट, जिनकी टेस्ट देते हुए जो आपने स्किप कर दिए थे, या जिनको टेस्ट देते हुए आपने मार्क कर दिए थे यार ये क्वेश्चन बाद में मैंने दोबारा देखने उनका टेस्ट दे लो, या इवन कि आप पास क्वेश्चन का टेस्ट दे लो राइट. पास क्वेश्चंस के अंदर भी हमने सारे सूबों के जो पास क्वेश्चन से लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ठीक है वो सारे भी हमने डाल दिए होंगे. जिस तरह से मर्जी आप टेस्ट क्रिएट करो, से मैं अगर अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूँ, मैं इसमें से यूनिट वन को चूज करता हूँ और यूनिट वन के सारे टॉपिक्स को चूज करता हूँ, और मैं इसमें से क्या करता हूँ 200 एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस. ये मैंने 200 एमसीक्यूज का टेस्ट देकर स्टार्ट कर लिया, देयर वी गो, ये 200 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने एक क्लिक के ऊपर लॉन्च हो गया.
बस अब आपने ये करना है कि स्टेटमेंट को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, आंसर अपना बेस्ट आंसर चूज करें, गलत हो गया है उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, अच्छा यार ये तो ऐसे हल होना था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, फिर दोबारा सेम काम करें, क्वेश्चन को पढ़ें, स्टेटमेंट को चूज करें, गलत हो गया कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, फिर आगे चले जाएं, राइट। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन है आप इसको स्किप करके आगे जाना चाहो वो भी वेल एंड गुड, अदरवाइज अब यही कोशिश करो कि इसको आप देखो, इसको अटेम्प्ट करो, सही हो गया ओके फाइन, अब वैसे ही आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो, ठीक है। जरूरत पड़ती है साथ साथ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने मार्क करना है, बाद में दोबारा मैंने टीचर से इसको डिस्कस करना है, आप इसको बुक मार्क कर लो, आपको आराम से दोबारा फिर ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूल के अंदर मिल जाएगा, राइट। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ से अब स्ट्रेट आप बड़ी क्विकली आप आंसर्स को पिक करते जाओ, और जो आपको लगता है कि मेरा गलत हो रहा है राइट, उस गलत क्वेश्चन को आप क्या करोगे, जो गलत हो रहा है आप उसको उसकी डिटेल्स को देख लोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे। अब देखो कि थोड़ी ही देर के अंदर आप क्या करोगे, 200 MCQs आप करके उसकी लर्निंग ले लोगे। अब एक है कि चैप्टर यूनिट वन केमिस्ट्री का तैयार करना कि आप यूनिट वन के ऊपर आप 3 घंटे लगा दो, बाद में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए टाइम ना बचे, और दूसरे नंबर पर यह कि स्ट्रेट जाके बस सीधा खोलो टेस्ट लॉन्च करो, करते जाओ, जहां पे ब्लॉक हो रहे हो वहां पे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, फिर भी जहां से समझ नहीं आ रही तो वहां से आप टेक्स्ट बुक को पढ़ लो। तो अगर आपने 4 घंटे केमिस्ट्री पे लगाने हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा 3 घंटे पहले जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे लगाओ, फिर 1 घंटे के अंदर बुक को कंसल्ट कर लो, दिस वुड बी मच मच बेटर अप्रोच फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम। और ये टॉप ग्रेड से पहले ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज है ही नहीं, ये चीज पॉसिबल बनाई है। इतनी एक्सटेंसिव और मैसिव एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पहली दफा टॉप ग्रेड ने ही पॉसिबल बनाई है, राइट। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, होल्डिंग दिस सिस्टम इन योर हैंड, दिस इज लॉट ऑफ पावर। 18-20 हज़ार सवालों में से जब मर्जी जिस मर्जी कंटेंट के मुख्तलिफ तरीके से आप सिलेबस अब जो टेस्ट है वो दे सकते हो। अब देखो टेस्ट को जब आप फिनिश करोगे तो फिनिश करने के बाद उस टेस्ट का पूरा रिजल्ट आपके सामने आएगा कि 200 में से आपके 3 क्वेश्चन आपके से सही हुए हैं, और उसके बाद आप देखना, आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चंस को यहां से कॉल करो, उनको फिल्टर करो, ये फिल्टर हो गए, और सिर्फ इन इनकरेक्ट क्वेश्चंस की यहां से आप जाके एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो यहां से जाके आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस की क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन देख लोगे लाइक दिस। तो अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, हाँ इसका आंसर ये इस तरीके से ऐसा निकलता है, इसका आंसर मेरा इस तरीके से ये ऐसा निकलता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपने गलत क्वेश्चंस की जो है वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। टेस्ट रिजल्ट पे वापस जाना चाहते हो, ओके वापस चले गए। अब यहाँ क्या आप देखना चाहते हो, जिन क्वेश्चन को मैंने मार्क किया था इनके हवाले से मैंने से बुक कंसल्ट करनी है, अब बुक मार्क क्वेश्चंस को निकाल लो, राइट, और अब इन क्वेश्चंस को आप देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट इमेजिन करो, 200 एमसीक्यूज का आपने टेस्ट दिया, आपने 40-50 मिनट में 200 एमसीक्यूज सॉल्व किए, उसमें से जो गलत था साथ साथ आप सीखते भी गए, साथ साथ ही सीखते गए, राइट। और उसके बाद जब फिर बाद में जाके आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड टेक्स्ट बुक को मजीद थोड़ा देख लिया, और इस तरह से अपना यूनिट पूरे का पूरा पक्का कर लिया। अब देखिए मुझे बताओ कि क्या ये कितनी बेटर अप्रोच है, ये देखो आपको ये पक्का पता होना चाहिए। इसके अंदर ना जैसे क्वेश्चन बैंक के होम पेज पे ना जो हमारे स्टैट्स है ना, दे आर वेरी पावरफुल स्टैट्स। अब देखो इसके अंदर ये जो स्टैट्स आ रहे हैं ना, खास तौर पे ये पूरे क्वेश्चन बैंक के कम्युलेटिव स्टैट्स आ रहे हैं कि ओवरऑल आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 0.87% करेक्ट किए हैं, इतने इनकरेक्ट किए हैं, और इतने आपने आंसर छोड़े हैं। आंसर चेंजेस के बारे में भी आपको बता रहा है कि आपका उसके ये स्टैट्स हैं, और टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। तो सिंपली ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ना, आप इसको ग्रीन कर लो ना, अगर से आपने टेस्ट दे, आप टेस्ट देते जाओ, जो सवाल आपके गलत हो जाए आप क्या कर सकते हो, दोबारा फिर आप केमिस्ट्री पे जाओ, राइट, और आप क्या करो जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन को कॉल करो। देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से देखो कि हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चन जो हुए थे वो 3 अवेलेबल है जो आपके गलत हुए थे, अभी जो मैंने टेस्ट दिया है, उन 3 क्वेश्चन का टेस्ट दोबारा भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, और वही जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका टेस्ट दोबारा क्रिएट करके इनसे दोबारा फिर लर्न कर लो। जब आप दोबारा इनको सही कर लोगे अल्टीमेटली ये फिर आपके स्टैट्स के अंदर भी सही शो होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से सारे एमसीक्यूज का टेस्ट दे लो, जो गलत हो जाए उनसे सीख लो, सीख के दोबारा टेस्ट दे के उनको सही कर लो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका ये जो पूरे का पूरा सर्कल है हमारे इस क्वेश्चन बैंक के होम पेज के ऊपर, ये सारे के सारा सर्कल ग्रीन हो जाएगा। ये जो सर्कल है, जो आपकी रिपोर्ट है परफॉर्मेंस की, ये पूरे का पूरा, ये वाला जो सर्कल है पूरे का पूरा सर्कल ये हो जाएगा ग्रीन। और इसके ग्रीन होने का मतलब ये है कि इसके ग्रीन होने का मतलब ये कि आपने 18,000, ये पूरा सर्कल पता कब ग्रीन होगा, कि आपने 18,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो गलत थे आपने उन एमसीक्यूज को दोबारा अटेम्प्ट करके सही कर लिया, और आपने उन सबसे जो पॉसिबल गलतियां थी उनको करेक्ट कर लिया। अब कुछ भी ना करो, जस्ट ये 18,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके इनको सही कर लो, एग्जाम में फॉर श्योर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए।
और ये देखे बिल्कुल टू दी पॉइंट प्रिपरेशन है, ये बेस्ट 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 कहले के रिटर्न है ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। इस वक्त इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि बच्चे इस टर्म पे ये कर लो। हाँ, आप ये कर सकते हो के साथ आप जो है वो जो हमारे जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है, फास्ट रिवीजन नोट्स को आप देख सकते हो कि आप ये कर, जैसे केमिस्ट्री है, इसमें से आप ये जरूर कर सकते हो कि आप कहते हैं यार मैंने क्विकली रिवाइज करना है, बजाय बुक पूरी पढ़ो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके अंदर अहम तरीन चीजें जो वैसे लिखी हुई है, जैसे आइसोटोप्स के ऊपर, या चलो मैं आइसोटोप्स पे जाता हूँ, इसकी स्लाइड बजाय मैं पूरी बुक से इसको पढ़ने बैठ जाऊँ, मैं इसकी स्लाइड्स को जल्दी से 5-7 मिनट में इसको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। ये रिवीजन टूल भी बड़ा जबरदस्त है। इस वक्त ये दो चीजें हैं, अगर आपने रिवीजन करनी ही है, लाजमी तौर पर करनी ही है, तो बजाय आप लंबे लंबे टेक्स्ट को पढ़ो, आप इन स्लाइड्स को पढ़ो, इनमें की थिंग्स जो है वो सम अप की भी है, जल्दी से इनको पढ़ के इनके अंदर इंफॉर्मेशन देखो, टेबल्स वगैरह की चक्कर में क्वेश्चंस भले यहाँ से ना करो, क्योंकि यहाँ वाले जो क्वेश्चंस हैं मे बी आपको बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगे, इनको करना चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, लेकिन राइट क्लिक करके आंसर भी इनका आ जाता है, लेकिन इनको आप यहाँ पे ना भी करो, सिर्फ ये जो टेबल्स, इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इन चीजों को आप पक्का माइंड में बैठा लो और अपनी तैयारी जो उसको आप जारी रखो, बस टाइम एलोकेट करो, अच्छा इतने टाइम मैंने बस ये करना ही करना। तो इस तरीके से देखो कि आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं उनसे आपने सीखना है, और एक अच्छा स्केड्यूल भी आपको चाहिए, वो स्केड्यूल भी मैंने बना दिया है। अब देखिए ये वाला स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल भी बना दिया है कि ये स्केड्यूल क्या कि प्रायोरिटी वाइज हमने स्टडी स्केड्यूल दे दिया हुआ है, 12 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसको हमने प्लान किया है इस तरीके से कि जो ज्यादा अहम चीजें हैं उनको हमने पहले उनकी तैयारी पहले करा दी है, कम अहम चीजों की तैयारी बाद में ले गए। मिसाल के तौर पर पहले 6 दिन के अंदर हमने इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया है कि 200 में से 125 एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे सिर्फ पहले 6 दिन के अंदर, हाफ डेज में, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा, आप उसके बाद एक एफएलपी दे के अपनी ये प्रिपरेशन को टेस्ट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट 4 डेज के अंदर 59 एमसीक्यूज की तैयारी करोगे, 200 में से 59 एमसीक्यूज की तैयारी। अगर ये वाला सारा सिलेबस करोगे, कवर करोगे आप हर सब्जेक्ट का, तो 59 एमसीक्यूज आपके और तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद फिर एक एफएलपी दो, लास्ट पे जाके फिर आपने सिर्फ एक दिन जो 16 एमसीक्यूज की तैयारी को देना है। इस तरीके से आप ज्यादा टाइम वहां पे लगाओगे जहां से आपका पेपर ज्यादा आना है। सादा सी बात यह है कि 70% पेपर 50% सिलेबस में से आना है, सबसे पहले उसको कवर करो, राइट, जैसे हमने इसके अंदर किया हुआ है स्केड्यूल के अंदर, पहले 6 दिन में वो कवर कर दिया। फिर उसके बाद लेस और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आ जाओ, करना ऑफ कोर्स सारा ही है ये, लेकिन प्रायोरिटाइज करके करो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही मैंने डेली रिकमेंडेड रूटीन भी दे दी है कि रिकमेंडेड रूटीन क्या है कि सुबह से लेके लाइक इसमें हमने ये भी सजेस्ट कर दिया कि कब कब आपको किस किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए और रूटीन ओवरऑल कैसी रखनी चाहिए। ये सारी पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगी, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अगर आपको ये जो रूटीन है ये या स्केड्यूल लेना है, ये इसका तरीकाकार आप क्या है, आपको कैसे मिल सकता है, ये भी डिटेल में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। तो ये भी अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो बहरहाल ये देखें कि अब आपको ये भी मेरे ख्याल में समझ आ गई है कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से और क्यों करनी है। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेल, ठीक है। सो प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम toplet.pk's क्वेश्चन बैंक, आई नो इट विल मेक बिग 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 डिफरेंस इन योर एनएमडी कैट स्कोर। बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ये इस स्टेज पे क्रिएट करेगा जस्ट चंद दिन के अंदर। ये रिमेनिंग डेज में बस 1500 एमसीक्यूज पर डे का टारगेट है। क्वेश्चन बैंक आप ले लो और उससे एमसीक्यूज 1500 डेली करने शुरू कर दो, गलतियों से सीख लो, एग्जाम में आपका इंशाल्लाह रिमार्केबली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अगर एक बच्चा ट्रूली डिजर्व कर रहा है स्टेज पे 150 मार्क्स, उसके 185-190 तक मार्क्स आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है जो मैंने आपको दे दी है। आई होप दैट यू ट्रस्ट माई वर्ड्स एंड यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, इंशाल्लाह इट विल वर्क फॉर यू। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूज करके मैंने ये चीज बताई है। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है या स्टडी स्केड्यूल लेना है तो ये नंबर आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लो तो आपको जो है वो ये वाला स्टडी स्केड्यूल भी मिल जाएगा और डेली रूटीन भी मिल जाएगी, और इसके अलावा जो है वो जो टॉप ग्रेड की सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको मिल जाएगी। और उसके चार्जेस भी जस्ट नॉमिनल से चार्जेस हैं, लाइक तकरीबन ना होने के बराबर चार्जेस हैं। तो जस्ट एंड पे जाके हमने वैसे ही अपनी प्राइसिंग वगैरह को रिमार्केबली रिड्यूस किया, सो एज टू कीपिंग इन व्यू कि अभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे इतना सारा पैसा भी पे कर चुके हैं, लाइक पेरेंट्स भी उनके बहुत ज्यादा पेइंग पोजीशन में नहीं है, तो हमने ऑलरेडी कॉस्ट को बहुत ही लोअर एंड पे जाके हमने कहा बजाय कि हम स्टूडेंट्स को स्टेज पे एक्सप्लॉइट करें, लेट अस हेल्प देम, राइट।
तो हमने ये डिसाइड करके हमने ये बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर ये सब्सक्रिप्शंस जो है वो दे दी हैं। इंडिपेंडेंट फुल कोर्स की सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, क्वेश्चन बैंक और फुल लेंथ पेपर्स हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी स्मार्ट सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक और FRN और FLP है, ये अलग से भी आपको मिल सकती है। तो बहरहाल इसके लिए आप ये वाला जो नंबर है इस पर आप रब्ता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।